हमारे फिल्म जगत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लाइमलाइट की दुनिया का त्याग करके अध्यात्म की राह पर चल पड़े थे। उनमें नीता मेहता, बरखा मदन, कोमिला विर्क जैसी हसीन अभिनेत्रियां हैं, परंतु ऐसा कोई अभिनेता दिखता नहीं जिन्होंने अभिनेत्रियों की तरह फिल्मी रास्ता छोड़ दिया था, सिवाय एक कलाकार को छोड़कर, जिनकी मृत्यु दुर्भाग्य से 11 जून 2023 को हो गई। मंगल ढिल्लो को आपने बहुत कम बार बड़े पर्दे पर देखा होगा, पर उनकी उपस्थिति उनके किरदार में 4 चांद लगा देती थी। स्पिरिचुअल लाइन में घुसने वाले दूसरे कलाकार भी थे, जैसे कि विनोद खन्ना और प्रेम नाथ, परंतु उन लोगों को दोबारा फिल्मी दुनिया का चस्का लग गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे यानी ऋषिता की आवाज में आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। मंगल ढिल्लो का जन्म एक सिख परिवार में फरीदकोट में 18 जून 1958 को हुआ था। दूसरे कलाकारों के जैसे मंगल ढिल्लो को एक्टिंग का शौक बचपन से नहीं था, बल्कि छोटी उम्र से उन्हें आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का शौक हुआ करता था। मौत, पुनर्जन्म, भूत, आत्मा और अच्छाई बुराई जैसे बातों में वे रिन हो जाते थे, परंतु पढ़ाई लिखाई के मामले में वे बड़े तेज थे। पंजाब के कोट कपूरा में उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। उससे पहले उन्होंने अपना बचपन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बिताया था। वहाँ उनके पिताजी की जमीन थी। खेतीबाड़ी वाले परिवार में रहकर उन्हें फिल्म देखने का शौक चढ़ गया। इस वजह से जिला परिषद वाले स्कूल में छुट्टी मिलते ही वे अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने निकल पड़ते थे। कुछ साल गांव में समय बिताने के बाद वे अपने जन्म स्थान पर लौट आए और मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो गए। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह चाहते थे कि मंगल पुलिस या वकील बने, पर कॉलेज के दिनों वे स्टेज शोज में हिस्सा लेते थे। डायरेक्शन और स्क्रीन राइटिंग करते करते वे कब एक्टर बन गए उन्हें ही नहीं पता चला। कलाकारी देखकर दोस्त बोलते थे कि उनकी जगह मुंबई जैसे बड़े शहर में है। किसी कारणवश वे मुंबई जा नहीं पाए, परंतु दिल्ली जाकर उन्होंने कुछ थिएटर कंपनी के लिए काम जरूर किया। उनकी आवाज सामान्य इंसान के लिहाजे बड़ी दमदार थी। इस वजह से जाने माने थिएटर निर्माताओं ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहर में बड़ी आसानी से मौका मिल जाएगा। इस वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक्टिंग विषय को लेकर डिप्लोमा पूरा किया था। थिएटर के कारण उन्हें पंजाब और दिल्ली में अच्छी लोकप्रियता मिल रही थी। ऐसे में उन्हें रमेश सिप्पी की सुप्रसिद्ध सीरियल बुनियाद में काम करने का मौका मिला, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बुनियाद सीरियल के कारण वे मुंबई आ गए। उस वक्त टेलीविजन फील्ड फिल्मों की अपेक्षा कम दर्जे का हुआ करता था, परंतु मंगल ढिल्लो ने इसी फील्ड में कमाल का प्रदर्शन किया और बड़े बड़े निर्माताओं को अपनी एक्टिंग की ओर आकर्षित किया। राकेश रोशन की सुपरहिट फिल्म खून भरी मांग में उन्होंने रेखा के वकील की भूमिका अदा की थी। किरदार छोटा था, परंतु लोगों को इस नए चेहरे की भनक लग गई। उनकी आवाज सुनकर कोई भी बता सकता था कि ये आवाज मंगल ढिल्लो की है। पंजाब से रिश्ता होने के कारण अपने क्षेत्र में उन्हें बड़ी पहचान मिली। मुंबई में रहकर उन्हें पंजाबी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, परंतु समय की कमी के चलते उन्हें वो फिल्में रिजेक्ट करनी पड़ी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी भूल को सुधारते हुए ना सिर्फ पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग की, पर सिख विचारधारा पर कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। इसके अलावा उन्होंने समाज में जागरूकता लाने के लिए कई सारे मिशन आयोजित किए, जिनमें नशा मुक्ति जैसे कठिन समस्याओं का हल निकालने के लिए उन्होंने फिल्में बनाई और कुछ नाटकों का निर्माण भी किया। जैसे ही हमने शुरू में कह दिया था कि वे एक आध्यात्मिक विचारधारा वाले इंसान थे, फिल्मों में आने के बाद उनकी इच्छा हुआ करती थी
कि उन्हें अच्छे से अच्छा रोल मिले। इस वजह से उन्होंने खलनायक वाले किरदार भी अपनाए, परंतु फिल्मकारों ने उन पर अन्याय करते हुए अच्छे किरदार उनसे दूर रखे। इसको देखकर मंगल ढिल्लों का सपना वहीं टूटने लगा। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी हुई फिल्म हीर रांझा फ्लॉप होने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वे इस सपनों की नगरी को छोड़ देंगे। हीर रांझा 1992 में रिलीज हुई थी, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मुंबई से निकलने के बाद वे खुद को एक्टिंग से दूर रख नहीं पाए। थिएटर और सामाजिक कार्य जारी रखते हुए उन्होंने अध्यात्म की ओर चलना शुरू किया। गुजरने से पहले 6 साल तक वे यूट्यूब पर सक्रिय थे। हमारे फिल्म जगत ने हमेशा से ही मंगल ढिल्लो जैसे काबिल कलाकारों को नजरअंदाज किया है। अवार्ड बेचने और खरीदने वाले लोगों के कारण अच्छा कलाकार बड़े फिल्मकारों की फिल्मों में नहीं दिखते, और ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। मंगल ढिल्लो की शादी मीता वशिष्ठ से फिल्मों में आने से पहले ही हो चुकी थी, परंतु उनका रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। इसके बाद 1994 में उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार रितु से शादी की। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।